दोनों जाएंगी, वो चेक करती है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत हुई है टेस्ट करवाने से, और उसके बाद फिर हम गए सब्ज़ी लेने। तो ये सारी सब्ज़ियाँ सॉर्ट करनी थी, लेकिन इतना लेट हो गया था ना, 1:30-2 बज गए थे। और जब ऐसा लेट हो रहा हो तो फिर खिचड़ी या फिर तहरी जो है वो बचाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो फिर तहरी बन रही थी आज, पहले खिचड़ी का मन था, फिर सब ने बोला तहरी, तो फिर आज तहरी पे सेटल हुए हैं सारे। तो मैं वो बना रही थी बीच में। हाँ खैर, हम गए थे एरिना के स्कूल भी, विंटर यूनिफॉर्म लेनी थी तो वहाँ भी गए थे, फिर सब्ज़ी भी ली, तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो अब आगे का प्लान ऐसा है कि खाना बनेगा, उसके बाद फिर डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट लेना है, आज ही दिखा देंगे, रिपोर्ट्स मिल गई थी क्योंकि साथ के साथ ही। तो फिर देखते हैं क्या बनता है। कुछ कुछ बाहर खाने का भी प्लान बन रहा है कि जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर डिनर करके भी आएंगे, तो कहाँ जाते हैं, जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं वो देखा जाएगा, लेकिन फिर हाल फिलहाल के लिए तहरी। शाम का टाइम हो गया है, मैं सो गई थी दिन में खाना खाने के बाद, थक गई थी काफ़ी ज़्यादा। मार्केट में हो जाता है, स्पेशली सब्ज़ी वाली मार्केट में ना, जब धूप पड़ती है ना सर पे, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो मैं सो गई थी, अब उठी हूँ, चाय बनाते हैं और अपॉइंटमेंट लेना है डॉक्टर का रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, तो वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। सब कुछ ठीक रहे, अच्छी खबर दे दो, देखते हैं आगे क्या होता है। एरिना, हम दोनों रेडी हो गए हैं, अपॉइंटमेंट ले लिया गया है। इसने नया टॉप पहना है, ये हमने मंगाया था अमेजोन से, और कुछ नहीं है इसके अमेजोन से फुल स्लीव्स के, क्योंकि अब हाथों में तो इसको ठंड लगने लगी है, इसलिए फुल स्लीव्स की। वैसे कोई वुलन या कुछ नहीं है, कपड़ा नॉर्मल ही है, सिंथेटिक ही है सारी, 2-4 नहीं है। ये पहली बार पहनी है, अच्छी लग रही है। और डिनर के लिए आज हम लोग जाएंगे कहीं बाहर खाना खाएंगे, और काफ़ी दिन हो गए बाहर खाना नहीं खाया है, तो जाएंगे देखेंगे, अभी डिसाइडेड नहीं है कहाँ जाते हैं, कोई नई जगह जाते हैं या पुरानी भी जाते हैं। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को आज क्या मंगवाया, क्या खाया और कहाँ जा सकते हैं आप लोग खाने। तो नहीं, चाइनीज़ नहीं खाएंगे, ये फाइनल हो चुका है, चाइनीज़ नहीं खाएंगे, तो हम बारकोस नहीं जा रहे हैं, बाकी देखते हैं कहाँ जाएंगे। डॉक्टर के पास से निकल के प्लान बना हम तीनों का, एरिना को छोड़कर के टिफिन कॉलोनी चल के वहाँ खाएंगे। तो वहाँ के लिए हम निकले, ये मैं दिखा दूँ, ये फ्लाईओवर के नीचे डिफेंस कॉलोनी में ही ये रास्ता जो है वो नीचे की तरफ जाता है, बीकानेर है, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी। तो इसी रोड पे बस आगे चलते जाएंगे, तो ये राइट पे चंगेज़ी करके जो दिख रहा होगा आपको, और ये बंद था आज। तो अब यहाँ से प्लान बना कि अब कहाँ जाएँ, तो एरिना का वैसे भी रास्ते भर मुँह भुला हुआ था कि मुझे अलबेग जाना है, ये बंद था, तो वो बहुत खुश हो गई कि चलो मेरी बात पूरी होगी आज। तो यहाँ पे आ गए थे NFC में हम, मैंने टिक्के वाली जगह आप लोगों को पहले भी दिखाई हुई है, तो पहले हुआ कि टिक्के खा लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ चलेंगे अलबेग में। तो यहाँ रुक गए थे,
और उसके बाद फिर हम अलबेग गए। खाने में जो हमने ऑर्डर करा था वो आज था इनका ढाबा चिकन, और शेफ़ स्पेशल लिखा हुआ था इनके मेन्यू में। तो ये पहली बार हमने ट्राई किया और ये मैं रेकमेंड करती हूँ आप सबको, अगर यहाँ जाएँ तो ये भी ट्राई करें। पिछले बार मैंने तवा चिकन आप लोगों को बताया था, वो भी बहुत अच्छा था। इसका टेस्ट ऐसा था कि जैसे घर का होता है ना सादा, जिनको बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं पसंद आती है, तो ये इनकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट डे काफ़ी देर ढूंढने के बाद आज बाबर यहाँ मिला, पौधे के ऊपर सो रहा है, वैसे वेट हो रहा है इनको आज नहलवाने के लिए। हमने घर पर ही बुलाए हुए हैं, जहाँ मैं लेकर जाती थी, एक तो उन्होंने अपनी जगह चेंज कर दी है, अब वो वहाँ पे नहीं है जहाँ मैं लेकर जाती थी, थोड़ा सा हटके हो गए हैं, और दूसरा प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं उन्होंने, तो उसके कंपेरिज़न में घर में जो आ रहे हैं वो उनसे 200 रुपीज़ कम ले रहे हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है कि घर में भी आ रहे हैं और पैसे भी कम है, तो फिर घर पर ही करते हैं। काबू की बारी है। ये शरीफ है वैसे, उसकी तरह तो नहीं है लेकिन बाकी पता नहीं, भाग रहा है। आज हमने बाबर केविन के लिए नाखून मार दिया, देख यहाँ पे शायद। हाँ बिल्कुल, बाबर केविन पहले मैं बात करती हूँ। बाबर केविन के लिए ना आज घर पे ही बुलाए हुए हैं उनकी बात के लिए। वैसे तो मैं लेकर जाती थी, मैंने व्लॉग में बताया हुआ है, दिखाया भी हुआ है, लेकिन इस बार हमने सोचा हम घर पे बुला लेते हैं। और तो बाबर का तो पता है गया, जाना नहीं चाहता। क्या हुआ, क्या हुआ भैया, नहीं मान रहा, हो रहा है। मैंने तारीफ कर दी तो काबू ने दिखा दिया कि नहीं मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ। अरे बाबर है, बाबर ने बहुत तंग करा इनको, तो पता है वो तो बहुत ज्यादा झटपटा है, उसको नहाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, चिपट गया था मुझसे और बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था, ऐसे यूं पकड़ लिया था कस के। काबू चला तो गया, बाबर ने काटा नहीं ना, पता नहीं निकलेंगे तो बताएंगे। काबू चला तो गया, देखते हैं निकल के नहा के नहा के ही निकलेगा। वैसे तो बाबर का है, नहाने के बाद दिखाई नहीं, कहाँ भाग गया वो रहा बाबर। यहाँ लाओ टेबल में रखो जरा, देखा कितना क्यूसी साफ सुथरा तो हो गया है, इसने ड्रायर भी नहीं कराया लग रहा है ठीक से, थोड़ा थोड़ा गीला है ना यहाँ पे। हाँ अभी गीला है बाबर। गुब्बू गुब्बू लाइट हो गई है, मलाई कोफ्ते इसके आके लाइट, शैम्पू चला गया होगा। आज ये प्लांट बड़ा था, प्लांट वो बनाया मैंने, प्लांट की मिट्टी मत छेड़ो, अभी गुस्से में होगा वैसे भी, मत छेड़ो उसको। काबू के गाल गीले हैं अभी, लेकिन गीला है ना पूरा, पूरा गीला है, नीचे से गीला है। बोलो भैया को, कह दो भैया इसका पूरा मुंह गीला है। भैया गीला है ये अभी जी, वो यही हो गया। नहीं ये इसके देखो गाल वाल भी गीले ही है, नीचे से भी गीला है। नीचे से कौन है, कहाँ से आप बता रहे ना, ये नहीं, ये तो सूखा है पंजे, ये छू के देखना एक बार, ये दोनों पंजे। हाँ क्योंकि हल्की ठंड शुरू हो गई है ना, ऐसा ना ठंड खा जाए हैं। अरे इतनी तो फिर भी हो ही गई है। बाबर अभी भी डर के जाग रहा है, ऐसा ना मेरा नंबर दोबारा आ जाए, नहीं क्या तो जाग रहा है। पकड़ो बाबर को, बाबर की बारी है, स्टिल हो गया है। पूरा कमरा फैला के और एलिना कर रही है मजे, सारा फैला हुआ है। आज मुझे निकालने हैं जमन के कपड़े, के अंदर है। हाँ इसके अंदर तुम्हारे वाले में नहीं है, उसी के वाले में है, तो वो निकालने हैं, वो काम करने जा रही हूँ।
तुम्हारा बाद में, अभी तुम्हारे कपड़े उस दिन निकाले थे, अब उसके एक बार निकाल दे, देख ले। फुल टी शर्ट्स मेन देखनी है, स्वेटर जैकेट तो उसके हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फुल टी शर्ट देखनी है कि अभी फुल टी शर्ट का तो एटलीस्ट ना मौसम आ ही गया है। कल भी हम बाहर गए थे डिनर करने, तो फिर लग रहा था बाहर कि हाँ फुल टी शर्ट पहन के आना चाहिए। ये तो जैकेट पे आ ही गई है, ये अब इसकी जैकेट मोटी होती जाएगी। तो वो काम करना है। बाबर कैबिन नहा चुके हैं, बाबर बहुत गुस्से में है, उसने खाना भी नहीं खाया है, वो मुंह बना के बैठा है उधर वॉशिंग मशीन के ऊपर। कैबिन, हाँ कैबिन ने खैर खाना खा लिया है और बस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।